करते हैं इसी फॉर्म इसी के जैसा, मान लीजिए अच्छा करते हैं थोड़ा, टी की पावर 5 माइनस, यहाँ माइनस ले लेते हैं, माइनस 40 स्क्वायर प्लस 7। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें दिया क्या गया है कैलकुलेट करने के लिए, dy/dt दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, dy/dt ऑफ, यहाँ पे हम लिख देंगे t की पावर 5 माइनस 40 स्क्वायर प्लस 7। अब इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाए, इसलिए dy/dt तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy/dt ऑफ t की पावर 5 माइनस dy/dt ऑफ, ये माइनस है तो आप माइनस रखना है यहाँ पे, फिर आप लिखेंगे dy/dt ऑफ 40 स्क्वायर प्लस dy/dt ऑफ 7। अब आप इसको सॉल्व करिए, बहुत इजी है, t की पावर 5 को लिख लीजिए 5t की पावर 4, माइनस 4 को बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा dy/dt ऑफ t स्क्वायर, और 7 इज अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये टर्म 0 चली गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये बच जाएगा 5t की पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर का बनेगा आपका 2t, तो ये आपका बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा 5t की पावर 4 माइनस 8t। तो इसका डिफरेंशिएशन आपने ये निकाला 5t की पावर 4 माइनस 8t। इसी तरह से एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं तो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमें दे रखा है v = kq/r, ये क्वेश्चन दे दिया। अब हमें कहा, ऐसे आप फिजिक्स में क्वेश्चंस करेंगे, हमें कहा कि आप dv/dr निकालिए। अब हम कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले dv/dr ऑफ, यहां लिख देंगे kq/r। अब आप अपना दिमाग लगाओ, इसमें r का, r के रेस्पेक्ट में गिवन क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना है, यानी इस r का डिफरेंशिएशन करना है। तो अब हम कैसे करें, kq इसमें कांस्टेंट लेना है, यहाँ पर r के रेस्पेक्ट में करना है, तो kq जो हुआ वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो kq आपका कांस्टेंट बाहर चला गया। अब dy/dr ऑफ 1/r को मैंने आपको कहा था इसको हमेशा ऊपर ले जाओ, जब भी हमें क्वेश्चन डिनोमिनेटर में हो तो इसको ऊपर ले जाओ, r की पावर माइनस 1 बनाओ। अब आप kq को बाहर रखो और इसमें फिर सिंपल मैथमेटिक्स लगा दो, माइनस 1r माइनस 1 माइनस 1, nx n माइनस 1 लगाया है, कूदाओ और घटाओ, इस पावर को आगे कूदाओ और फिर 1 माइनस करो, तो आपका आंसर बन जाएगा kq, यहाँ बन जाएगा माइनस 1r की पावर माइनस 2, और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए, तो इट इम्प्लाइज दैट इसका आंसर आ गया माइनस kq, माइनस कहाँ से है, माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, r की पावर माइनस 2 को हमने नीचे लेके चले गए, तो ये बन गया माइनस kq/r2। इस तरह से हमने एक डिफरेंशिएशन का ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से देखा, और एक फॉर्मूला आपको करवा देते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए हमें कई बार क्वेश्चन दिया हुआ आ जाता है d/dx ऑफ dy/dx दिया है और हमें लिखा हुआ आया साइन एक्स, क्या लिखा हुआ आया साइन एक्स, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे d/dx ऑफ साइन एक्स, और आपको याद रखना है साइन एक्स का आंसर जो होगा कॉस एक्स होगा, ये आपको मैं बहुत सिस्टमेटिक करवा रहा हूँ, इसको ध्यान से आप अपनी कॉपी में नोट करना और इसी ऑर्डर से इसको रोज पढ़ना, आपको गारंटी लेता हूँ डिफरेंशिएशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि अब हमारे पास में लिखा हुआ आया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, तो देखो d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी आया, ये इसमें चेन रूल इन्वॉल्व हो गया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये जो क्वेश्चन है इसको इस तरह से लिखेंगे d/dωt ऑफ साइन ओमेगा टी, और फिर ये जो अंदर जो ओमेगा टी बचा हुआ है इसको लिख देंगे d/dt ऑफ ओमेगा टी। तो आप देखेंगे ये डी ओमेगा टी से ये डी ओमेगा टी कट गया, और वास्तविकता में तो यही चीज बची d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी,
कि माता पक्षी है, इसको समझने से पहले आपको सिंपल बता देता हूँ। इस माता पक्षी से अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप सिंपल क्या करो, पहले तो साइन को मन में मान लो कि ये साइन एक्स है। तो अभी आपको सिखाया था मैंने साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, या ये दो क्वेश्चन हो गए, ये दो क्वेश्चन में इसको ब्रेक कर लिया और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में हो, इसको एक्स माना तो देखो साइन ओमेगा टी होता, तो इसका लिख देंगे कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा बार आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा टी, तो इसका आंसर आ गया टी कॉस ओमेगा टी। आप इसको वापस रिवाइंड करके देखना, नहीं तो फिर मैं आपको एक और इसको सिंपल वे से समझा देता हूँ। सिंपल वे से कैसे समझना है आपको कि साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, लिख देंगे कॉस ओमेगा टी। अब अगर केवल साइन एक्स होता तो ये आंसर खत्म हो जाता है, यहाँ पे टी के साथ में ओमेगा और आ गया है, ठीक है। तो अब हमको इसको अंदर वाली टर्म का और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन अगर टाइम के रेस्पेक्ट में करवाए तो अंदर बचेगा डी टी बाई डी टी ओमेगा कॉन्स्टेंट, बाहर आ जाएगा तो आंसर आएगा ओमेगा कॉन्स्टेंट को हमें अंदर लिखना है। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब इस पे थर्ड एग्जांपल और देख लीजिए, फिर आपको कल नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ाऊंगा। मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए हमें लिखा हुआ आ गया आर साइन ओमेगा एक्स। तो अब हम सोचेंगे कि यहाँ पे ये आर है और ये साइन ओमेगा एक्स है, तो हम क्या करेंगे, इस आर को तो ले लेंगे बाहर और फिर साइन ओमेगा एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ओमेगा एक्स लिख देंगे इसको, और फिर हम साइन ओमेगा एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स। इस तरह से हमें किसी भी दिए हुए क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है।